मैं बैठ गई हूँ अपने माठ में, और ये देखिए काकी माँ लोग आ गई हैं। वो लोग भी बैठने के लिए जगह खोज रही हैं। थोड़ा सा माठ में इधर उधर प्लास्टिक फैला होता है, तो फिर वो लोग अच्छा जगह देख के बैठेंगे। और पहले काफ़ी लोग यहाँ बैठा करते थे, अभी थोड़े से माठ अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि बहुत पहले बहुत अच्छा था। अभी लोग इधर उधर कचरा फैला देते हैं, गंदा हो गया माठ, तो अभी उतने लोग नहीं बैठते। पहले बहुत अच्छे से बैठते थे। मैं भी बैठी थी, मेरे दरवाजे के पास है, तो मैं चेयर लेके बैठती हूँ। तो अभी टाइम हो गया है 3, और अभी मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो मैं इसलिए बाहर में थोड़ा सा सोच रही हूँ कि धूप खा लेती हूँ, और नहाने खाने के बाद में थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा धूप में बैठूँ। घर में जाऊँगी तो मुझे नींद ही आ जाएगी, क्योंकि मैं भी मॉर्निंग में 4 बजे उठी हूँ, लेकिन ये सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि हस्बैंड जी का ये थोड़ा सा मॉर्निंग में तो ठीक रहता है, लेकिन दोपहर में थोड़ा सा ये दही खाने के बाद जब आराम करते हैं तो वो नहीं होता, तो अभी मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। तो अभी शाम के बज गए हैं 5, और हस्बैंड जी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि उन्हें ये टाइम में उतना खाते ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मुड़ी मेरे लिए, मैं मुड़ी खाऊंगा। तो फिर मैं जा रही हूँ छोटे छोटे आलू को फ्राई करने, जो कि बोले कि मैं आलू मुड़ी खाऊंगा, तो फिर मैं आलू फ्राई करने। वेलकम बैक टू माई चैनल, और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं थोड़े से बादाम भूज ली थी, थोड़े से आलू मैंने छोटे छोटे काट के फ्राई कर लिया है, और यहाँ पर मूढ़ी में सब मिला देंगे, थोड़े से चना चूर, मूढ़ी, आलू और बादाम। और आज का ये शाम का नाश्ता है, तो हस्बैंड जी ने थोड़ा सा ये नाश्ता ही किया, और डायरेक्ट वो रात का खाना खाएंगे, तो उन्हें थोड़े से कि आलू मूढ़ी पसंद आता है, तो फिर इस तरीके का हम लोग का आज नाश्ता शाम का हो गया। और ये बहुत अच्छा लगता है, हम लोग खाते हैं शाम को नाश्ते में, और ये बहुत टेस्टी है। तो इसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, और फिर मिलते हैं सीधे नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट डे में मॉर्निंग में ये बना था उपमा और चटनी, तो ये हमारा नाश्ता था, और आज हमें कहीं जाना है, तो इसलिए मैं अभी नाश्ता कर ले रही हूँ। नाश्ता मेरा हो गया था, और अभी मैं और प्रीति दोनों ही जाने वाले हैं, और आज हमारे जो हम लोग काम से जुड़े हुए हैं, उसी काम के सिलसिले में हम लोग जा रहे हैं, तो हमारे साथ हमारी फ्रेंड भी जा रही हैं, जो कि वो भी इस काम में जुड़ी हुई हैं एनजीओ के काम से। और फिर अभी हम लोग उस पहुँच जाएंगे उस गाँव में जहाँ पर कि हमें जाना था, और ये गाँव को सभी लोग इस तरीके से, मैं अंदर नहीं गई थी, ये फर्स्ट बार है कि मैं इस गाँव के अंदर गई हूँ, और गांव के बाहर ही स्कूल है, तो वहीं पे स्कूल के बच्चों को हम लोग खाना बांटते हैं, कोई फेस्टिवल में कुछ भी प्रोग्राम होता है तो फिर वहीं पे सब होता है, ये जगह है वो। तो यहाँ पे देखिए सारे बच्चे आ गए हैं, और हमारी एनजीओ के जो हेड दीदी हैं उनका आज बर्थडे था, तो वहीं उन्हीं के लिए आज ये सेलिब्रेट हो रहा है। हैप्पी बर्थडे, हम लोग बच्चों को चॉकलेट, केक और फल बांट रहे थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और हमारे एनजीओ में छोटे छोटे इस तरीके के प्रोग्राम होते रहते हैं हमारे एनजीओ की तरफ से, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आके। ये गांव बहुत अंदर है और बहुत दूर भी है, 1.5 घंटे का रास्ता पड़ता है, और यहाँ पर कुछ सामान है जो अभी बच्चों को बांटे जाएंगे। तो यहाँ पे सब स्टार्ट हो गया था, और यहाँ पे हमारे एनजीओ में जो भी कुछ काम होते हैं, तो फिर हमें, मुझे ही बोला जाता है कि वीडियो बनाओ, फोटोज़ क्लिक करो, मुझे ही नहीं, कुछ कुछ और हैं पर मुझे खास करके बोला जाता है, तो मैं इस सारे वीडियो को मैं बनाती हूँ, और फ़ोटोज़ भी सारे लोग मुझसे ही बोलते हैं कि क्या वीडियो लिया आपने, क्या फ़ोटो लिया, तो इस तरीके से। और फिर यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पर आके, और सब हो जाता है धीरे धीरे, हम एक दूसरे, हम सारे बच्चों लोगों को बांट देते हैं, बच्चे लोग भी विश करते हैं दीदी को हैप्पी बर्थडे, और इस तरीके से ये प्रोग्राम समाप्त होता है, और फिर हम लोग घर आ जाएंगे। और बहुत अच्छा लगता है हमें इस तरीके का काम करके, अपने घर से काम करने के बाद हमें ये काम में करने में बहुत अच्छा लगता है। और यही सब कामों में मैं अपना डेली ब्लॉग नहीं कर पा रही थी, और इन सब काम में, और ही
और भी एक दिन जाना हुआ है, मतलब थोड़ा सा एनजीओ का काम आ गया था, तो फिर इसमें मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी जाने आने में, फिर हैरेसमेंट की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, डेली ब्लॉगिंग का जो डेली रूटीन का वीडियो होता है वो नहीं हो पा रहा था ज़्यादा, तो इसलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।